हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो आइए जानते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के दोषों को यानी कि उसकी गलतियों को एक नई लैंग्वेज में दूर किया जाता है। मशीन लैंग्वेज के दोषों को एक नई लैंग्वेज में दूर किया जा सकता है, जिसे लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। साधारण भाषा में लो लेवल लैंग्वेज को ही असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इस लैंग्वेज में लेटर और सिंबल्स डेमोनिक्स का यूज़ करते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को असेंबली कोड या सिंबॉलिक प्रोग्राम कहते हैं। हालांकि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करना पड़ता है और उसके बाद फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में इन्हें कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाके वे प्रोग्राम जो असेंबली कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करते हैं उन्हें असेंबल कहते हैं। और असेंबलर एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर निर्माता द्वारा सप्लाई किया जाता है। असेंबलर असेंबली कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। यह मशीन कोड को कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी में असेंबलर करता है यानी कि असेंबल करता है तथा इसे क्रियान्वयन करने के लिए तैयार करता है। एक प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया एक सिंबॉलिक प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। सोर्स प्रोग्राम को एक असेंबलर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर देने के पश्चात इसे एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कहा जाता है। उदाहरण के लिए दो संख्याओं को जोड़ने के लिए असेंबली भाषा में लिखा गया है। एक सामान्य प्रोग्राम निम्न प्रकार से देखा गया है। STA ए डाटा को एग्जीक्यूट में लोड कर लेता है। ADD B बी के कंटेनर को एग्जीक्यूट में ऐड करता है। STR सी लोकेशन या सी में रिजल्ट को स्टोर करता है। PRT सी रिजल्ट को प्रिंट करता है और HLT स्टॉप होता है। अब असेंबली लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको असेंबली लैंग्वेज के लाभ बताती हूँ कि असेंबली लैंग्वेज से के अंदर इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के द्वारा मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। असेंबली लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है। तीसरा है, इसमें समान परिणाम दर्शाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है जिसके कारण परिणाम दर्शाने के लिए ये असेंबली लैंग्वेज अच्छे होते हैं। फोर्थ है, असेंबली लैंग्वेज को समझना आसान होता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिक OP कोड के स्थान पर निमोनिक्स का यूज़ किया गया है। फिफ्थ है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते समय गलतियां होने की संभावना कम होती है, फिर भी निमोनिक्स द्वारा इन गलतियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। अब असेंबली लैंग्वेज के मैंने आपको लाभ बता दी है। अब इस असेंबली लैंग्वेज के मैं आपको दोष बताती हूँ यानी कि हानियाँ। पहला है कि इस प्रकार की लैंग्वेज पर आधारित प्रोग्राम को छोटे आकार के कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, अर्थात ये मशीन पर आधारित होते हैं। सेकेंड है आपका कि प्रोग्राम को कोड करने में अधिक समय लगता है क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है जटिल प्रकृति की होती है, इसलिए इसमें अधिक समय लगता है। थर्ड है आपका, इस लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम अत्यधिक बड़े होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, अब हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा, जो मैं आपको इसकी डिटेल ही बता देती हूँ क्योंकि यह मोस्ट IMP क्वेश्चन है। हाई लेवल लैंग्वेज ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इसके बारे में आपको सेकेंड क्वेश्चन भी बता दूँ कि हमारे इसी वीडियो में कि सॉफ्टवेयर क्या है इसके प्रकारों को भी बता रही हूँ, क्योंकि ये दो क्वेश्चन मेरे जो भी आपको बताने वाली हूँ इसके आगे ये मोस्ट IMP क्वेश्चन से आप नोट कर लेना ध्यान से, ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज,
तो अब हाई लेवल लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज की समस्या जैसे मशीन पर निर्भरता, समझने में कठिनाई आदि को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज का विकास किया गया है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इस लैंग्वेज में अत्यधिक वर्ड और सिंबल होते हैं जो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के समान ही होते हैं तथा इनके द्वारा कंप्यूटर की आवश्यकता प्रक्रियाओं को निर्देशित किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज समझने में, रूपांतरित करने में, लिखने में, पढ़ने में आसान होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में वन इंस्ट्रक्शन रिलेशनशिप नहीं होती है जो सिंबॉलिक लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट गुण होता है। हाई लेवल लैंग्वेज द्वारा कई मशीन कोड उत्पन्न किए जा सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को दो भागों में विभाजित किया गया है, सामान्यतः उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। हाई लेवल लैंग्वेज सामान्य उद्देश्य लैंग्वेज का यूज़ कई समस्याओं को हल करने में किया जाता है, जैसे बिजनेस संबंधी समस्या हो गई या फिर विज्ञान संबंधी समस्या ले लो, ग्राफिक्स एप्लीकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विशिष्ट परिपथ लैंग्वेज का यूज़ विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। यह आपको मैंने अभी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बता दिया, यह आपका पहला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सेकंड जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो बता देती हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों को समझाना है। मैंने आपको अपने आगे की वीडियो में बता दिया है, लेकिन एक बार इसको और अच्छे से कैसे आप एग्ज़ाम में लिखें वो भी मैं आपको बता देती हूँ हमारे इस वीडियो में। तो अब सुनते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो आवश्यक कार्य संपन्न यानी पूरे करते हैं। दूसरे शब्दों में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, क्योंकि एक प्रोग्राम एक विशेष कार्य संपन्न करने के लिए निर्देशों का एक संग्रह एक स्टोर होता है। इसलिए सॉफ्टवेयर को एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को एक विशिष्ट कार्य संपन्न करने में सक्षम बनाता है ताकि आगे के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर चलता है, हम सॉफ्टवेयर का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, यह भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, हम केवल उस पैकेज को देख ही सकते हैं जिसमें यह आता है। पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग के लिए हजारों भिन्न सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम की एप्लीकेशन उपयुक्तता के आधार पर सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्राथमिक कार्य करते हैं जो एक कंप्यूटर को चालू करने तथा संचालित करने के लिए आवश्यक है। उन सभी प्रोग्राम का संदर्भ देता है जो कंप्यूटर का कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर के विभिन्न संसाधनों का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल एवं निरीक्षण करता है, जैसे कि प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा कम्युनिकेशन लिंक। यह कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक तीव्र, कुशल तथा सुविधाजनक बनाता है। जो प्रोग्रामर सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखते हैं वे प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम सम्मिलित है जो कंप्यूटर के कार्य करते हैं। यह सामान्यतः हार्डवेयर निर्माता द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा बहुत बड़ी मात्रा में निर्देशों को समाहित करते हैं जो एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली बनाने वाली हार्डवेयर डिवाइस के लिए निर्धारित है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर तथा उपयोगकर्ताओं के एप्लीकेशन प्रोग्राम के मध्य इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर संपर्क प्रदान करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका सेकंड पॉइंट है हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बारे में बता देती हूँ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम का संदर्भ देते हैं जो विशिष्ट एप्लीकेशन के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने में कंप्यूटर की हेल्प करते हैं। निर्देशों के प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है जो एक एप्लीकेशन की प्रक्रिया के लिए वांछित रूप में कार्य पूर्ण करने के लिए
हार्डवेयर हेतु बनाए जाते हैं जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए अद्वितीय होते हैं, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। आगे है कि सामान्य उद्देश्य प्रोग्राम जो होते हैं, वो सामान्य उद्देश्य प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं जो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए सामान्य सूचना की प्रक्रिया का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ले लीजिए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम ले लीजिए, डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड पैकेट तथा ग्राफ प्रोग्राम्स माइक्रो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं में शिक्षा व्यापार विज्ञान तथा कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। सेकंड है आपका विशिष्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जो विशिष्ट एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होते हैं, ये हज़ारों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट एप्लीकेशन को हेल्प करने के लिए उपलब्ध होते हैं। तो मैंने आपको विशिष्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम, सामान्य उद्देश्य प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार और सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बारे में बता दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है उसका जो अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में बताऊँगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैंने जो हमारे आपको इस वीडियो में जो आपको हाई लेवल लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर के बारे में जो बताए, ये दो बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में हर बार आते ही आते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर ज़रूर प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।